सब्सक्राइब हरियाणा बीट्स एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट। देखें हरियाणवी गानों के साथ साथ अपने पसंदीदा शोज। हरियाणवी सुपरस्टार खासा आला चाहर की एल्बम खास रील के अगले सॉन्ग मुछा आले टैग का ऑफिशियल पोस्टर आ चुका है। इस गाने को डायरेक्ट किया है रिकी रेप्रिया और शेखर सलारिया ने। आपको बता दें खास रील एल्बम की अभी तक 4 सॉन्ग मोहतरमा, जज्बाती बंदे, रीजन और यारी सॉन्ग आ चुके हैं, जो कि सभी के सभी हिट साबित हुए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि खास रील एल्बम का ये 5वां सॉन्ग मुछा आले टैग कितना कमाल कर पाता है। मशहूर हरियाणवी सिंगर गुलजार छानीवाला और उनकी मंगेतर माही गौर अगले महीने बन सकते हैं शादी के बंधन में। जी हां, गुलजार ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर लाइव आकर अपने फैंस के साथ साझा की है। आपको बता दें फिलहाल गुलजार मनाली में अपनी टीम और माही गौर के साथ गए हुए हैं, जहां पर वो अपनी आने वाली मूवी के सॉन्ग्स की शूटिंग कर रहे हैं। कल एकदम से लाइव आकर गुलजार ने शादी की बात बताकर एकदम से अपने फैंस को हैरान कर दिया। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोरोना की वजह से पाबंदियां लगती हैं तो वो अपनी शादी की डेट को टाल देंगे। एंटरटेनमेंट जगत में इन दिनों शादियों का दौर चल रहा है। कैटरीना कैफ से लेकर यामी गौतम समेत कई हसीनाएं अब तक 7 फेरे ले चुकी हैं। इस लिस्ट में एक और नाम जुड़ता दिखाई दे रहा है, अदाकारा जैस्मिन भसीन का। जी हां, अदाकारा जैस्मिन भसीन ने इंटरनेट पर अपनी एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने बिना बताए ही शादी रचा ली है। अदाकारा ने इंस्टाग्राम पर अपनी एक फोटो फैंस के साथ शेयर की है, जिसमें वो हाथों में लाल रंग की चूड़ियां पहने दिख रही हैं। फैंस इस तस्वीर को देखने के बाद अंदाजा लगा रहे हैं कि उन्होंने सीक्रेटली अली गोनी के साथ शादी रचा ली। अब ये शादी की बात सच है या अफवाह, इसकी पुष्टि जैस्मिन या अली ने नहीं की है। लगातार बंद हो रही फिल्मों के दौर में टाइगर श्रॉफ के फैंस के लिए एक बुरी खबर है। टाइगर श्रॉफ को लेकर कुछ वक्त पहले ऐसी खबर सामने आई थी कि वो डायरेक्टर रोहित शेट्टी के बैनर की एक एक्शन फिल्म में दिखाई देंगे। रोहित शेट्टी का एक असिस्टेंट डायरेक्टर टाइगर श्रॉफ की इस फिल्म को बनाने वाला था। लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक टाइगर श्रॉफ की ये एक्शन एंटरटेनर ठंडे बस्ते में चली गई है। फिल्म के बंद होने का असली कारण अभी तक साफ नहीं है, लेकिन ये माना जा रहा है कि निर्माता इस मूवी को कोरोना काल में शुरू नहीं करना चाहते हैं। कमिंग सून, हरियाणा म्यूजिक इंडस्ट्री की सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए हरियाणा म्यूजिक।